हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर घर शिक्षा अगेन। तो आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्पेशली फॉर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग एपी बोलते हैं, एपी। अब आप प्रोग्रेशन बोलो या फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस बोल दो, ठीक है, सीक्वेंस बोलो या फिर आप इसको अरिथमेटिक सीरीज बोल दो, सीरीज बोल दो, है ना। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज सीक्वेंस, है ना। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई सीरीज दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। एक आपको दिया है 1, 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। इन सब में कॉमन क्या लग रहा है आपको, स्पेशल क्या है? तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 जो है, इसमें कॉमन डिफरेंस दो के बीच में कितना है? जैसे 1 और 2 के बीच में 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 होगा। 3 और 2 के बीच में क्या होगा? 1 होगा। तो यानी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, दो एक साथ होंगे तो इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कितना है, ये मान लो डिफरेंस इज इक्वल टू डी ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1। यहाँ पर डी इज इक्वल टू क्या है, 3 और 1 के बीच कितना डिफरेंस है? 2। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ पर डिफरेंस है 2। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 4। 5 माइनस 1 9 माइनस कुछ भी ले लो, 4, है ना। तो यहाँ एक मतलब रूल फॉलो कर रहा है ना, ये पूरा का पूरा सीरीज क्या फॉलो कर रहा है, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो है उनका जो डिफरेंस है, चाहे आप किसी भी को ले लो, है ना, किसी भी दो को ले लो, लेकिन वो दोनों कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है। अगर एक हमने ए एन लिया है, मान लो ये ए एन टर्म है, तो दूसरा ए एन प्लस 1 है ना, या एक ए एन है तो इसके पहले वाला ए एन माइनस 1 है ना। इन दोनों के जब हम डिफरेंस देख रहे हैं तो ये कॉमन आ रहा है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज इन विच वी हैव अ कॉन्स्टेंट, से इट एज अ डी विच इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन द सीरीज, ठीक है। तो ये हमें क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना। अब हमें इसमें हेल्प कहाँ कहाँ मिलेगी और एग्जाम में हमें कैसे हेल्प करेगा वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो नॉर्मल हमेशा सीरीज लेते हैं वो हम इस ढंग से लिखते हैं, ठीक है। ए टू, ए थ्री, ए फोर, है ना। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बी लो, सी लो, डी लो, कुछ भी ले सकते हो। ये हमने बस आर्बिट्री नंबर मान लिया है ना, A1 की जगह एक नंबर है ना, कौन सा नंबर है ये कुछ भी हो सकता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। तो ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, लास्ट मान लो ए एन बी आया, इसके बाद जाके बढ़ेगा, दिस इज एन ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, ठीक है। इसमें हमने अभी क्या बताया था, वही सेम मैं लिख रहा हूँ, डी इज इक्वल टू, ठीक है, ए एन माइनस ए एन माइनस 1, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो गया है ना। तो ए एन उससे पहले वाला जो है माइनस करो, ए एन यहाँ पर अगर ए टू है तो यहाँ पर ए वन आ जाएगा, मतलब ए टू माइनस ए वन भी हो सकता है ये, है ना। किसी भी दो को ले लो, ए थ्री माइनस ए वन भी हो सकता है ना। ये लो ही चाहे, ये लो चाहे, ये लो चाहे, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव, ए थ्री माइनस ए वन नहीं होगा, ए थ्री माइनस ए टू होगा ना, कॉन्सिक्यूटिव लेना है। यहाँ पे क्या लिखा था, ए टू और ए वन, यहाँ ए थ्री ए टू ले लिया, ऐसे ही ए फोर माइनस ए थ्री ले लो, है ना। सभी का कॉमन डिफरेंस डी जो है हमेशा एक ही आएगा, है ना। तो ये हमें याद रखना था, इसमें हमें मेन याद करना है, एक तो डी इज इक्वल टू हो गया हमारा ए एन माइनस 1, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे सकता है, शो दैट, ठीक है, सीक्वेंस ए एन लिख सकते हो डिफाइंड बाई, सीक्वेंस डिफाइंड बाई, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 4n+5 इज एन ए पी। आपको प्रूफ करना है कि ये ए पी में है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, लेट इट बी डी, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये ए एन इज इक्वल टू 4n+5 जो है
इस रूल के हिसाब से हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होना चाहिए, है ना। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि डी इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 होता है ना, इतना तो पता है। तो हमें जो जो पता है उसी की हेल्प लेंगे ना। तो ए एन क्या है, ये तो हमें दिया हुआ है 4n+5 माइनस, अब क्या है a n -1, a n -1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे n के मतलब हमें n-1 रखना है ना। 4n-1+5 इज इक्वल टू 4n+5 -4n हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है +4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 4n-4n कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 4, यानी कॉमन डिफरेंस डी जो है ये हमेशा 4 रहेगा। तो अगर पूरे सीरीज में हमें ये कॉमन डिफरेंस मिल रहा है बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स एंड इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज 4, तो हमारा रूल जो है फॉलो हो रहा है ना। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यही रूल था ना कि सीरीज में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स और इट शुड बी कॉन्स्टेंट, तो ये मैं 4 मिल गया। इसका मतलब कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल फॉलो कर रहा है, प्रूव हो गया है। एंड ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमें मिल गया 4 है ना। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, कभी भी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, जनरल टर्म यानी हम क्या लिखते हैं, एन क्या है, एंथ टर्म इज इक्वल टू a+n-1 × d, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक आपने याद रखा था d इज इक्वल टू an-1, अगला आपको ये याद रखना है वेयर an इज nth टर्म, ठीक है, a इज द फर्स्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एरिथमेटिक सीरीज जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। नाउ ये हो गया, अगर आपका ये nth टर्म है फ्रॉम स्टार्टिंग, है ना, जैसे a1 a2 ऐसे लिखा है ना, a3, अगर पूछेगा थर्ड टर्म क्या वो बताओ, तो ये फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि राइट साइड से अगर हमें फोर्थ टर्म निकालना है ना, ऐसे तो ये लेफ्ट साइड से है, राइट साइड से अगर बोलेगा तब कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, देखो इसमें हम लिख देंगे nth टर्म ऑफ ap फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड यानी राइट साइड से हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम इज इक्वल टू लेंगे, ठीक है। इसमें जैसे यहाँ पे आपको इससे मैच करना है, यहाँ पर क्या था ए था, एक जगह यहाँ जगह एल, यहाँ ए क्या था फर्स्ट टर्म, यहाँ एल क्या है लास्ट टर्म है, ठीक है, ये प्लस की जगह यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, और इसके अंदर क्या डाल देंगे n-1 × d, ये सब सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको ले लो ए एन, या एम को बिल्कुल नहीं, फ्रॉम एंड है यानी राइट साइड से, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है, फ्रॉम द एंड पूछेगा तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है ना। तो ये दो चीज़ें आप कहीं कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद हम करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म और इधर से मिडिल टर्म्स ऑफ अ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कैसे होगा, जैसे मान लो कि 1 2 3, ऐसे मिडिल टर्म क्या है 2 है ना, तो अगर मिडिल टर्म निकालना है तो यहाँ पे कितने हैं ऑड डिजिट्स है ना, 1 2 3 तीन डिजिट है यानी ऑड नंबर है। अगर ये इवन होगा 1 2 3 4, तो इसके मिडिल क्या आएंगे, मिडिल 2 आएंगे, 2 और 3 है ना, तो मतलब मिडिल टर्म 2 होते हैं अगर इवन है तो, है ना। तो इसीलिए हम लिखेंगे इफ एन इज मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, ठीक है, देन अगर ये ऑड है तो एक ही आएगा ना, वो क्या हो गया, ये कौन सा टर्म है सेकेंड, यानी कि 1 2 3 + 1, यानी कि हम लिखेंगे n+1/2th टर्म, है ना, देन n+1/2th टर्म इज द मिडिल टर्म। और ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए अगर आपको मिडिल टर्म निकालना है तो कैसे लिखोगे, n+2, जैसे ए एन लिखे थे वैसे यहाँ पे ए एन +1/2 लिखेंगे इज इक्वल टू,
ये टर्म इसको क्या लिखेंगे, पहले हम क्या लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे एन क्या हो गया, यहाँ एन हो गया हमारा एन प्लस वन बाई टू एन माइनस वन इंटू डी, ये लिखते हैं ना। तो अगर हमें दिया हुआ है इफ एन इज ऑड, तो उसका मिडिल टर्म अगर निकालना है तो ये टर्म होगा, है ना, ये हो गया इसका मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म। अब हम करते हैं, अगर हमारे ये ऑड था तो हमने कर लिया, अब इवन नंबर है, अगर इवन नंबर ऑफ हमारे डिजिट्स हैं तब क्या होगा, ठीक है, उसके आगे जाते हैं। टर्म व्हेन एन इज इवन, ठीक है, इवन है तो क्या, जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो 1 2 3 4 है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो एक तो हमारा आएगा एन बाई टू टर्म, तो 4 डिजिट है, 4 बाई 2 क्या होता है 2 यानी सेकंड, दूसरा क्या रहेगा थर्ड एन बाई टू प्लस वन, सिंपल एन बाई टू प्लस वन, यानी ये दो टर्म हमारे मिडिल टर्म्स हो गए। इसमें भी ऐसे लिखेंगे, मान लो ये हमें निकालना है एन बाई टू टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन बाई टू प्लस वन, जब हम इसको सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, पर ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई रटना नहीं है, दिमाग लगाना है बस, है ना, मैंने रटा नहीं है बस, मैं समझ के कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी करना है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा एन बाई टू प्लस वन माइनस वन, है ना, हो गया इज इक्वल टू ए प्लस, ये क्या हो जाएगा एन बाई टू इंटू बी, है ना, एक हमारा ये आ गया, एक हमारा ये आ गया, ये हमारे मिडिल टर्म्स हो गए, ये सब फॉर्मूलाज हुए, है ना, इन्हीं को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आपको नहीं भी याद है तो आप ऐसे ही रख के क्रॉस चेक करके एक्सपेरिमेंट कर करके प्रैक्टिस ऐसे करो कि फिर कुछ याद ना करना पड़े, है ना, जब भी एग्जाम में आएगा तो टाइम सफिशियंट मिलेगा, अगर आपको ये सब प्रैक्टिस आते हैं ना तो आप तुरंत सारा सॉल्व करोगे, या फॉर्मूला भी आपको रटना नहीं, आप तुरंत वही लिख सकते हो, है ना, ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, सब एनालिसिस आपको खुद करनी पड़ेगी, दिमाग में थोड़ा घुसाना पड़ेगा, है ना, कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर याद कैसे रखना है ये भी नहीं पता भी पूछ सकते हो, है ना, तो इसको भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, -1 3 7 11 एंड सो ऑन इज 95, ठीक है, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 95, कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, 100th है, 70th है, क्या है, तो पहले तो ये देखो 3 माइनस -1 क्या हो जाएगा 4, 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 4 11 माइनस 7 4, यानी कि ये एपी है, एथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है, तो एथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल लगाएंगे। अब ये कौन सा टर्म है, तो हमें तो ये पता है कौन सा टर्म के लिए ए एन लिखते हैं, नाउ ए एन जो आप लिखते हो कहाँ यूज होता है, तो ए एन एक तरह से है, आप लिख सकते हो डी, जैसे ए एन माइनस वन इंटू डी होता है, या आप ऐसे लिख सकते हो डी प्लस ए एन माइनस वन, है ना, ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है ना। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं क्या क्या दिया हुआ है, ए एन हमें दिया 95 इज इक्वल टू, डी कितना है हमारा 4 है, प्लस ए एन माइनस वन, है ना, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, ए एन माइनस वन इज इक्वल टू हमारा आ गया 95 माइनस 4 इज इक्वल टू 91। अब ए एन माइनस वन हमने निकाल लिया, पर इससे हमें कोई फायदा तो नहीं हुआ, है ना, ए एन माइनस वन अगर हमारा 91 है, तो इससे हमें कोई, हमें हमें तो पता करना था कि 95 कौन सा टर्म है ना, एन पता करना है, इससे हमारा एन नहीं निकला, तो एन किस फॉर्मूला में आएगा, तो हमें ये पता है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी होता है ना, तो ए हमारा 95 दिया हुआ है इज इक्वल टू ए हमें दिया हुआ है प्लस एन जो हमें निकालना है इंटू डी, डी हमें दिया हुआ है, डी कितना है 4, तो देखो ये इक्वेशन जो है इसमें हमारा एक एन बच गया जो हमें निकालना है ना, तो ये इक्वेशन हमारा हेल्प करेगा, इस इक्वेशन से फायदा नहीं हुआ तो हमारे जो भी इक्वेशन है हम जो भी लगाएंगे हमें पता चलेगा किससे हमें फायदा हो रहा है ना। तो अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, एक मिनट मैं चला देता हूँ, 4 इंटू एन माइनस वन है,
इज इक्वल टू, इस वन को इस साइड ले जाओ तो 96 हो जाएगा, है ना। नाउ एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96 बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 24। नाउ एन इज इक्वल टू यही किधर ले आओ, प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ गया, 25। तो एन इज इक्वल 25 आ गया, यानी आपका 25th टर्म जो है दैट इज 95, है ना। तो इस ढंग से आप सारे जो जो फॉर्मूला पढ़े आप लगाओगे तो अपने आप समझ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें कहाँ लगाना है, हमारा आंसर कैसे आएगा, है ना। तो एनालाइज करना आना चाहिए, है ना। इसमें मैंने कुछ रटा नहीं है, पर जब मैंने इसको किया मुझे पता लग गया कि हाँ इससे नहीं होगा, मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो इससे हो गया, है ना। तो इसी ढंग से मैं एक्सपेरिमेंट करना है, कोई नया चीज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस 3, 6, 9, 12 and so on, लास्ट नंबर इज 111। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी क्या निकालना है हमें, एन निकालना है ना। हमें क्या दिया हुआ है, ए तो दिया हुआ है हमें, है ना। ए इज गिवन, ए इज इक्वल टू 3, तो हमें डी भी पता है, डी इज इक्वल टू 3, है ना। ए और डी हमें दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, ए एन भी दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 111। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमें ये तीनों डालने हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इम्प्लाइज दैट 111 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 3 इक्वल टू 3 प्लस 3n-3, 3n-3 विल बी कैंसल्ड इज इक्वल टू 3n। सो नाउ यू आर गेटिंग 3n इज इक्वल टू 111-3 इक्वल टू 108, n इज इक्वल टू 108/3 इज इक्वल टू 36, 3, 3 जा 36 36। वन सेकेंड, ये जो 3-3 लिया ये हमारा पहले कैंसिल हो चुका है ना, ये हमने दोनों कैंसिल कर दिए थे इसलिए -3 नहीं आएगा, तो ये हमारा यहाँ पर 111 ही आएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 111/3, है ना, इज इक्वल टू 3, 3 जा 9, 37 जा, तो 37 आएगा, है ना। दिस इज द राइट आंसर, ये नहीं होगा, समझ गए क्यों नहीं होगा, ये -3 मैंने गलती से फिर से ले लिया, यहाँ 3 हमने पहले लिखा था, -3 आ गया था, कैंसिल कर दिया था, है ना, फिर मैंने इस 3 को फिर से ले लिया है ना, इसलिए ये गलत हो गया। तो अब आपका 37 आ गया है ना। अब आप चेक कैसे करोगे आपका आंसर सही है कि नहीं, मान लो बड़ा आंसर है तो 37 आप यहाँ डाल दो, ठीक है, 37-1 डाल दो, डी की वैल्यू दो, ए की वैल्यू दो, इट शुड बी इज इक्वल टू 111, तो आप डाल के क्रॉस चेक भी कर सकते हो, है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच टर्म ऑफ ए बी 5, 15, 25, so on will be 130 more than its 31st term. ठीक है, which term of this arithmetic progression will be 130 more than its 31st term? बिकॉज 31st term निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, a 31 is equal to a plus n माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है, 10 है, 10 डायरेक्टिंग, तो इज इक्वल टू 5 प्लस, यहाँ क्या जाएगा, 30 × 10 यानी कि 300 इज इक्वल टू क्या हो गया, 305, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, 305 क्या है हमारा, a 31 है ना, तो a 31 हो गया 305। तो अब हम लिख सकते हैं, देखो a प्लस माइनस वन इज इक्वल टू 305 प्लस 130, समझ आई चीज, मैं एक और चीज देता हूँ, बिकॉज ए एन इज इक्वल टू
130 + A31 गिवन, हमें दिया हुआ है ना, 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, अगर हम प्लस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए एन विच टर्म हमें चाहिए, ए एन चाहिए है ना, ये आ जाएगा, हमें अब एन निकालना है ना, तो हमने यही चीज लिखी है ना, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 130 + 305 दैट इज A31 है ना। तो ये क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन माइनस वन को यही रहने दें, इज इक्वल टू ये क्या हो गया 300 435 -5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू क्या हो गया 430/10, ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 43। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 43 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 44, ये आ गया है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगी, ये सब मुझे पसंद है, इस टाइप के क्वेश्चन है ना अच्छे लगते हैं, मजा आता है, तो एग्जामिनर को भी हमेशा पसंद आएगा और वो ऐसे क्वेश्चन जरूर देगा है। अब आगे चलते हैं, मिडिल टर्म पे करते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 6, 13, 20 अप टू 216 ठीक है। तो आप मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, यहाँ पे ए दिया हुआ है आपको, ए इज इक्वल टू क्या है 6 है, डी पता है, डी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा है ना। नाउ ए एन भी दिया हुआ है इज इक्वल टू 216, देखो तुम क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 6 + N-1 इंटू डी कितना है 7 है ना। तो हम यहाँ से एन निकाल सकते हैं, चलो निकालते हैं, 216 - 6 कर देते इधर लेके चले जाते हैं इज इक्वल टू 7N-7 है ना। तो 7N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस माइनस 6 कितना हो जाएगा 210 प्लस 7 इज इक्वल टू 217 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 31 है ना। 7N इज इक्वल टू 217 था, तो ये हमारा N इज इक्वल टू आ गया है ना, N इज इक्वल टू हमारा ये 217 बाय 7 हो जाएगा ना, 31 आ गया, तो N इज इक्वल टू 31 हो गया है ना। तो एक काम तो हो गया हमारा, N आ गया, अब हम एन 31 हम नेक्स्ट ले लेते हैं, पहले एन इज इक्वल टू 31 ये आ गया है ना। नाउ अगर एन 31 है मींस नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, जब ऑड होता है तो हमेशा मिडिल टर्म एक ही आता है ना, क्या आता है मिडिल टर्म, एन प्लस वन बाई टूथ टर्म है ना, दैट इज 31 प्लस वन बाई टू टर्म इज इक्वल टू 32/2 कितना हो जाएगा 16th टर्म है ना। अब हम निकाल सकते हैं ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए कितना था 6 था प्लस 16 माइनस वन कितना हो जाएगा 15 और इंटू डी, डी कितना है हमारा, डी हमारा था 7 है ना, इक्वल टू 6 + 15 7 का कितना होता है 105 इज इक्वल टू क्या हो गया 111। तो ए 16 हमारा 111 आ गया, यही हमें चाहिए था है ना। चलो अब अगला करते हैं, फाइंड मिडिल टर्म और टर्म्स ऑफ 7, 13, 19 एंड सो ऑन अप टू 241 ठीक है। इसमें भी हमें बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, दिस इम्प्लाइज 241 इज इक्वल टू 7 + N-1 इंटू डी कितना आ जाएगा 6। सो 241 - 7 इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू एन माइनस वन है ना, 241 - 7 कर लो यहाँ आ गया 4, 2, 3, 4 है ना डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 6 से हो जाएगा 6
तो एन हमारा 40 आ गया, तो मतलब इवन टर्म्स है, इवन टर्म्स में दो मिडिल डिजिट होते हैं, है ना, दो मिडिल नंबर होते हैं, क्या क्या होता है, एन बाई टू होता है एक तो, और एक एन बाई टू प्लस वन होता है ना, दो टर्म्स होते हैं। चलो पहले तो हम एन इज इक्वल टू 40 लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में, एन इज इक्वल टू 40। अब हम निकालते हैं, एक तो हम निकालेंगे ए एन बाई टू इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू, ठीक है, ए कितना था, ए था हमारा 7 प्लस एन आ गया 40, तो 40 बाई टू 20, 20 माइनस वन 19 इन टू डी कितना था, डी था हमारा 6 इज इक्वल टू 7 प्लस 19, 6 का कितना होता है, सॉरी 6 नाइन 54, 5 11 इज इक्वल टू 121, ये आया हमारा एक। अब हम क्या निकालेंगे, ए एन बाई टू प्लस वन, एन बाई टू लिखो या फिर ए एन बाई टू कितना हो गया 20, है ना, 40 का तो ये 20 हो गया। दूसरा क्या है, एन बाई टू टर्म, यानी कि ए एन बाई टू प्लस वन टर्म, सॉरी इसको थोड़ा क्लियर ले लेता हूँ, ये है एन बाई टू प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू ए एन बाई टू हमारा 20 आया था, तो ये 21 हो जाएगा, है ना, ये क्या है 21 इज इक्वल टू, ठीक है, अगेन ए प्लस, ठीक है, एन माइनस वन कितना हो गया 20 इंटू डी कितना हो गया 6 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 127, ए 21 इज इक्वल टू हमारा आ गया 127। तो हमारे दो मिडिल टर्म्स आ गए, तो ये आ गया 127 और एक हमारा आया था 121, है ना, ये दो मिडिल टर्म्स आ गए। तो मिडिल टर्म्स के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, है ना, तो आगे बढ़ते हैं। सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, अगर एन टर्म्स है उन पूरे का सम क्या होगा, ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू, ठीक है, एन बाई टू इन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें n क्या है, a क्या है, d क्या है, सब आपको पता है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, n बाई टू इंटू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, n बाई टू इंटू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, a n है, है ना, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ए एन क्या है, लास्ट टर्म है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको एल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन जैसे है, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 टर्म्स एपी, एपी क्या दिया है आपका 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन, क्या आ जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, एन क्या है 20 टर्म्स दिया ना, 20 बाई टू हो जाएगा इंटू टू ए 2 into 1, 2 प्लस एन माइनस वन 20 है, 20 माइनस वन 19 हो गया, इंटू डी कितना है 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 19, 3 का कितना हो जाएगा 57 इज इक्वल टू 5, यहाँ हो जाएगा 59, 590, ये आ गया आपका आंसर, है ना, तो इस ढंग से आप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी इज
42, ठीक है, द रेशियो ऑफ इट्स, रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म, ठीक है, इज 1:3. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th, ठीक है, टर्म ऑफ एपी. सो ना सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42. सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स एंड कर तो S6 लिख दो, इज इक्वल टू S6 इज इक्वल टू क्या है, 42 है ना. इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, N6 है, इंटू 2A प्लस एन माइनस वन यानी 6 माइनस 1 इंटू डी है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 42 इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ 3 हो जाएगा है ना, 3 इंटू 2A, ठीक है. तो 2A को ऐसे तो कोई फर्स्ट टर्म तो हमें बताया नहीं है इसमें, प्लस यहाँ क्या जाएगा 5D है ना, 5D, ठीक है. नाउ इसका मतलब 2A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना हो गया, 42/3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 14 है ना. ये याद रखना, इसको मैं अगले पेज फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको क्लियर करता हूँ. हमें क्या मिला है, 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 14, ठीक है. और हमें दिया हुआ है जो 10th टर्म है उसका और 30th टर्म जो उनका रेशियो जो है दैट इज 1:3. इसका मतलब क्या है, A10 by A30 इज इक्वल टू 1/3. दिस इम्प्लाइज A10 क्या होगा, A+N-1 × D, यहाँ भी हो जाएगा A+N-1 × D इज इक्वल टू 1/3 है ना, ये तुम्हें पता है. अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है. दिस इम्प्लाइज 3A+27D इज इक्वल टू A+29D है ना. दिस इम्प्लाइज यहाँ कितना हो जाएगा, 2A बच जाएगा, 3A-A 2A है ना, यहाँ पे इस तरफ आएगा तो ये -2D बच जाएगा इज इक्वल टू 0. इसका मतलब 2A इज इक्वल टू 2D, 2 2 कैंसल, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू D, ठीक है. तो एक तो हमें ये क्वेश्चन मिल गया है ना, और एक हमें ये क्वेश्चन पहले से था, ठीक है. तो अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो, जैसे A इज इक्वल टू D है, ठीक है, तो यहाँ पे हम D की जगह A रख देंगे, तो 2A+5A हो जाएगा कितना हो गया, 7A, यानी कि 7A इज इक्वल टू 14. दिस इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू 14/7 इज इक्वल टू 2. तो हमें ए यहाँ पर 2 मिल गया. तो हमें निकालना क्या था, एक तो हमें A 13 13th टर्म है ना, कितना हो गया, A+12D हो जाएगा इज इक्वल टू 2+2 × 12 है ना, ए 2 है और डी इज इक्वल टू 2 2 है, इज इक्वल टू क्या आ गया, 26 है ना. तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या मिला, 2, और 13th टर्म क्या मिला, 26. बस हमें इतना ही चाहिए था ना, ये भी मिल गया. तो ये आपको समझ में आ गया, कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स है ना. तो हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, ओके. फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन, ओके, बिटवीन 250 एंड 1000, ठीक है, विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है, विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, ठीक है. ये कैसे करोगे, पहले तो लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 टू 1000, तो सीरीज बनाते हैं, ठीक है. 250 तो बन नहीं सकता क्योंकि दिस इज नॉट बीइंग डिविजिबल बाई 3, तो कौन सा है जो डिवाइड हो जाएगा, 251 नहीं होगा, 252, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, इनका प्लस करके 9 हो रहा है, यानी 3 9 होता है, तो 252 एक तो आ गया. ऐसे अगला कौन सा होगा, 255 हो जाएगा है ना. तो इस ढंग से आपको सीरीज पहले बनानी पड़ेगी, ठीक है. अगला क्या हो जाएगा, 258, यानी कि तो AP फॉलो कर रहा है ना, एथमेटिक प्रोग्रेशन में सभी में 3 का डिफरेंस है,
ये हम कहाँ तक ले जाएंगे, लास्ट हमारा रहेगा 999 जो कि 3 से डिवाइड होगा, 1000 तो हो नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ हमें एक सीरीज मिल गई, एन भी मिल गया, है ना। तो अब हम एन का फॉर्मूला पता ही है, एन इज इक्वल टू 999 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, है ना। तो एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है हमारा 3 है ना, यहाँ पे क्या है 999 है ना। तो हमारा क्या आ गया, अब 999 माइनस 252 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन, है ना। अब यहाँ देखते हैं क्या आता है, 747 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 7 14 14 प्लस 4 18, यानी 3 से हो जाएगा, है ना। 3 2 6, 3 4 12, 3 9 जा, है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 250। तो कुछ समझ में आया, यहाँ पे 250 हमारा क्या आ गया, एन आ गया, है ना। ये क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन दिस विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। तो सम भी निकालना है हमें, केवल एन नहीं चाहिए, हमें एस एन निकालना है ना। तो एन तो चाहिए ही था, अब आगे चलते हैं। एन इज इक्वल टू आ गया हमारा 250, है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू क्या था, 2a + n-1 इंटू डी था, पर एक और हमारा था ए प्लस एल, जिसमें मैंने लिखा था ए और एल जो है लास्ट टर्म, है ना, इज इक्वल टू एन बाई टू क्या हो जाएगा, 250 बाई 2, ए क्या है हमारा 252, है ना, प्लस लास्ट टर्म क्या है 999, है ना, इज इक्वल टू करते हैं 2 1 125 इंटू 1251, ठीक है, 1251 इंटू 125, ठीक है, 1251 इंटू 100 करोगे तो इतना आ जाएगा, बाकी 1251 इंटू हम 25 कर लेते हैं, थ्री 1275, ठीक है, 1251 00 प्लस 57213, ठीक है, इसको देखते हैं कितना आता है, 156375, यहाँ देते हैं 156375, ठीक है, ये हमारा आ गया क्या, एस एन, है ना। तो हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, है ना, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी ध्यान से देख लो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज जो है ऑब्वियसली अर्थमेटिक ही होगा, पर फिर भी चेक कर लेना, है ना, 54 51 48 एंड सो ऑन बी टेकन, ठीक है, सो दैट बी टेकन सो दैट देयर सम इज सम इज 513, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये मैं सीरीज दिया हुआ, कितने टर्म्स अब लेंगे, सो दैट देयर सम इज 513, इसका सम 513 होना चाहिए, ठीक है। तो सम के बाद जहां भी आएगी हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एस एन इज इक्वल टू क्या दिया है, 513 इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो पता ही है ना, ये हो गया इज इक्वल टू एन, तो हमें पता नहीं है हाउ मेनी टर्म्स हमें निकालना है ना, ये तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, 2a तो 2 इंटू क्या होगा, 54, कितना होता है 110 + 8, 118, 110 + 8, 880 हो गया, 2 × 54 है ना, यहाँ पे 2 × a तो 54 × 2 कितना हो गया, 54 × 2 108 हो गया ना, 1 सेकेंड, यहाँ हो गया 2 × 54, यहाँ 108 हो जाना चाहिए, प्लस एन माइनस वन, एन तो पता नहीं है, डी पता है हमें, 51 - 54 कितना हो जाएगा, -3, है ना, 3 नहीं होगा, -3 हो जाएगा, है ना, तो ये याद रखना है, ठीक है, इज इक्वल टू 513 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 108, ठीक है, प्लस यहाँ तो माइनस डायरेक्ट लिख सकते हो, तो क्या -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ हम -3 इंटू एन माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है,
ये टू जो है इधर आ सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 500 500 500 1000 हो गया, और ये 1326 हो गया, 1026 इज इक्वल टू एन इंटू, ठीक है, 108 माइनस 3 n प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू एन इंटू 108 प्लस 3 कितना हो गया, 111 माइनस 3 n, ठीक है। अब ये इक्वेशन में बाहर लिख के फिर इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 1026 है ना, तो यहाँ तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 n इंटू ले लो, 3 3 9, 3 7 माइनस n इज इक्वल टू 1026। नाउ n इंटू 37 माइनस n इज इक्वल टू 1026 डिवाइडेड बाई 3 3 3 9 1026 7 8 9, ये होना चाहिए ना, 3 से 3 3 9, यहाँ 12 आ गया ना, 3 4 हो जाएगा, कौन से 3 3 9 3 4 12, 3 2 है ना, 3 4 2 आ गया, 3 4 2, ठीक है। तो अब हमारा देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, है ना, ये क्या आ गया, 37 n माइनस n² माइनस 3 4 2 इज इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हो n² माइनस 37 n, ठीक है, सबको इस तरफ लगे जा रहे हैं, प्लस 3 4 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको आप लिख सकते हो n-18 n-19 इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू क्या आ गया, 18 आ गया और 19 आ गया, है ना, तो कैसे हो सकता है, इज इट पॉसिबल, 18 भी है और 19 भी है, कैसे हो सकता है, सोचो। इसमें ए 19 जो अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, ए 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है हमारा, -3 है ना, -3 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये अलग है, 54, ठीक है, 19 माइनस 1 कितना होता है, 18, 18 3 54 होता है, तो -54 इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना, तो 19th टर्म इसमें 0 आ रहा है ना, क्योंकि तो ये नेगेटिव में जाता है ना, सीरीज हमारा कम होता जा रहा था, तो इसीलिए अगर हम 19 टर्म्स लेंगे तब भी हमारा सम सेम आएगा, 18 टर्म्स लेंगे तब भी हमारा सम सम सेम आएगा, क्योंकि ए 19 जो है वो हमारा 0 है, तो ये लॉजिक भी आपको लगाना है ना। तो ये मैंने आपको सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अब बाकी तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे, है ना, और बाकी कोई भी डाउट है तो मेरा एक कमेंट बॉक्स है, इसमें आप कमेंट कर सकते हो ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय बाय।